देखो तो बाबू कैसे खा रहे हैं। हेलो गाइस, मैं सरिता आप सभी की स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सरिता नई व्लॉग पे। और आज हम फिर जा रहे हैं, ये देखो इतना सारा सामान हम लोग रिटर्न करने जा रहे हैं, रिटर्न तो नहीं एक्सचेंज करके लाएंगे। तो हमारी फैमिली भी जा रही है, कार पे डीजल डलेगी फिर हम आगे चलेंगे। देखिए आज संडे है, गोल बाजार बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये देखिए तरह तरह के कपड़े, इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे। और ये देखिए भीड़, देखिए संडे को इतना भीड़ रहता है ना क्या बताएं। और आज त्यौहार बहुत पास भी आ रहा है इसीलिए भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, सभी तरफ गाड़ियों की आवाज़ आएगी आपको। भीड़ तो देखिए कितना भीड़ है, ओ माय गॉड, आज तो और हम लोग ट्रैफिक में फंसने वाले हैं लग रहा है मेरे को। तो देखिए कितना सुंदर गोल बाजार है हमारा, हम सब का गोल बाजार बहुत खूबसूरत है। हमें जाना है इधर, मैंने फिर से किसी का रिचार्ज किए थे, उसके में ऑफर आए थे, तो ये 230 का है जो हमें ऑफर में 130 में आया। देखिए लुक एट दैट, कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत खूबसूरत है हमारा कौन चीज़ वाला पिज्जा है, बहुत प्यारा है। और ये क्या है, ऑलिव्स, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये खा रहा है पुरू, क्या खा रहा है पुरू बता तो। ये डिम्पी खा रही है, ये शिवम, और ये इसके मौसा, और ये मेरा है, ये देखिए। तो ये नेक्स्ट दिन का हमारा वीडियो है जहाँ पर हम जा रहे हैं ज्वेलर्स के पास और वहाँ खूब सारा खरीदारी करेंगे। पता नहीं क्या क्या खरीदेंगे, अभी तो पता नहीं, आप सब देखते रहिए क्या क्या खरीदते हैं। तो ये देखिए मासूम सी मेरी बच्ची कितनी प्यारी है, वहाँ जाते ही आईने के पास वहाँ से उतरना ही नहीं चाह रही थी, इतने प्यार से खेल रही थी ना। और मैं बोल रही हूँ डांस करो डांस करो डांस करो, जैसे मोबाइल देखी चुप हो गई मैं, और वरना वो बहुत अच्छे से खेल रही थी देखो, और इसी में खेल रही थी, वो नीचे नहीं उतर रही थी। तो इसकी माँ इसके लिए पायल देख रही थी, तो इधर वो पायल देख रही थी और इधर मैं वीडियो बना रही थी। तो देखो कितनी प्यारी है ना, मनमोहन लेने वाली, बहुत प्यारी है हमारी लीजा बेबी। हाँ लीजा, हाँ मस्त पायल। और वहाँ से तो हम आ गए ज्वेलर्स के पास से, और ये देखिए सब गुपचुप खाने चाट खाने बैठ गए हैं। और क्या क्या खरीदी हूँ वो घर जाकर आप सबको लास्ट में वीडियो दिखाऊंगी, प्लीज़ आप सब लास्ट तक देखिए। और मैं वहाँ वीडियो इसीलिए ज़्यादा नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ ज़्यादा वीडियो बनाने नहीं देते, फिर भी मैं छोटा छोटा बच्चों को बना ली थी, लेकिन घर जाकर तो यहाँ इन लोग खा रहे हैं गुपचुप चाट। ये देखिए बच्चा कितना खूबसूरत, पूरा 3-4 गुपचुप खा लेता है, इतना छोटा सा है लेकिन गुपचुप का दीवाना है ये बाबू। और इसका नाम है केवल्य, मेरा बच्चा देखो कितना प्यारा है ना, चार भी खा लेता है गुपचुप भी खा लेता है। तो मैं जो क्या क्या खरीदे हैं सब ने, सब अपने अपने लिए क्या क्या खरीदे हैं घर जाकर दिखाऊंगी गाइस। ये देखिए आगे है रायपुर, और यहाँ तरह तरह की गणेश जी की मूर्ति दिखाऊंगी। ये देखिए ये गणेश जी को मैंने फर्स्ट बार देखा और मैंने अपने चप्पल वहीं पे उतारी और इनको प्रणाम करने का बड़ा दिल कर रहा था, तो मैंने फर्स्ट इसे प्रणाम की। और आप सबको इतना खूबसूरत खूबसूरत प्यारा प्यारा गणेश जी की मूर्ति दिखा रही हूँ ना, एकदम दिल छू लेगा। और आप सब भी प्रणाम कर लीजिए, देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत गणेश जी हैं। ये देखिए कितने आराम से मेरे पप्पा जी बैठे हुए हैं, मतलब ना एकदम मन ही नहीं हो रहा था वहाँ से हटने का, ऐसा मन कर रहा था कि बस उसे देखती रहूँ देखती रहूँ देखती रहूँ, और बस उसे एक तक देखते रहो ना तो आँखों से आंसू भी आ जाते हैं, मतलब इतने प्यारे लगते ना। देखो मैं अब भी बता रही फिर भी वो इमोशंस मेरे में आ गए, मतलब ना इतना अच्छा लग रहा था मेरे को, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो। तो ये देखिए गणेश जी की मूर्ति इतने प्यारे प्यारे, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ना मुझे यही गणेश जी को देखने से हुई खुशी, क्योंकि इतने सारे गणेश जी मैंने तो पहले बार देखी है, क्योंकि इससे पहले मैं कभी नहीं गई थी, फर्स्ट बार गई। तो यहाँ पूरा रायपुरा में यहाँ से वहाँ तक पूरा ऐसी गणेश जी बिक ही रहे थे, तो बहुत सारा है, तो बहुत सारा दिखा नहीं पाऊँगी मैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो कुछ मैं दिखाऊँगी। देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत है ना, और इसका रेट भी 400-500-600 ऐसा था, मतलब 200-250 में तो अब गणेश जी का मूर्ति हमें नहीं मिलेगी, सीधा 3-4 से स्टार्ट है। और आपको अच्छा सा लेना है ना तो वही 700-800 तक ही अच्छा से मिलेगी, छोटा सा ही लोगे फिर भी वही अच्छा मिलेगा और सिंपल ऐसी वो वाला मिलेगा। तो बहुत खरीदारी करने आ रहे थे बहुत लोग, बहुत सारा सामान खरीद रहे थे। देखिए
यहाँ मैंने वो दिया रखने का खरीदी जो आप सबको लास्ट में दिखाऊंगी। अभी तो ये देखिए, मैं ना बार्गेनिंग कर रही थी, मोल भाव कर रही थी। वो बोला 30 रुपये बोला, लेकिन मैं बोली 20 रुपये में दोना भैया, लेकिन वो नहीं बोले, किसी को पूछ के आने दे करके बोले, फिर उनको पूछ कर आए, तो फिर वो ना ये वाला मेरे को ना 20-20 रुपये में दिए, तो मैं 2 खरीदी। तो आप लास्ट में देखना, ठीक है। तो ये देखिए इतने सारे गणेश जी, पूरे लाइन से पूरे रायपुर में ऐसी गणेश जी मिल रहे हैं, पूरे रायपुर क्या पूरे रायपुर में ही मिल रहे होंगे, रायपुरा क्या पूरे रायपुर में ये मिल रहे हैं। देखो कितने खूबसूरत खूबसूरत है, मतलब यहाँ से ना जाने का मन ही नहीं होता है ना, बहुत खूबसूरत लग रहा है ना आप सबको भी। तो यहाँ पर मैं उधर वो बना रही थी, और इधर माँ और दीदी लोग सब बैठे हुए थे, माला गुथवा रहे थे, और मैं उधर घूम रही थी, गणेश जी का मूर्ति देख रही थी, आप सबके लिए वीडियो बना रही थी। और देखिए फिर से आप सबके लिए वो लेकर आ गई, इतने सुंदर सुंदर, मतलब मेरा मन ही नहीं हो रहा था यहाँ से जाने का, तो मैं फिर से इधर इस साइड आ गई थी देखने के लिए। तो ये प्यारा प्यारा गणेश जी का मूर्ति दिखा, जहाँ पे रिद्धि सिद्धि गणेश जी के इस साइड बैठे हुए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और बहुत लोग आ रहे थे, जा रहे थे, रेट पूछ रहे थे। ये मेरे दोनों दीदियाँ वहाँ पर खड़ी हुई है, उन लोग भी देखने आ गए थे वहाँ से। तो देखिए बहुत प्यारा लगा मुझे। अब हम फिर से आ गए हैं जहाँ पर मेला मेरा वाला माला गूथ रहा है। तो यहाँ मेरा वाला माला गूथ रहा है, तब तक मैं देखिए रोड दिखा रही हूँ आप सबको। ये हमारा कार सामने ही खड़ा है, कल का वीडियो तो कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो आज वो सारा चीज़ दिखाऊंगी जो हम लोग कल शॉपिंग करके आए, रिटर्न करके आए, चेंज करके आए, वो सारा चीज़ दिखाऊंगी। और आज हम लोग क्या क्या खरीदे थे वो सब भी आप सबको दिखाऊंगी। और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करें। तीनों बहन अपना अपना ये मंगलसूत्र गुथवाए हैं, तो ये देखिए ये मैं गुथवाई हूँ, अभी हम लोग गए थे माला गुथवाने, और एक ये मेरा ही है, ये वाला भी गुथवाई हूँ मैं, और एक ये वाला जो अपना आयरिंग बेच कर ना ये खरीदी है, तो ये हमको पड़ा है 19,000 का, और उसका आयरिंग 16,000 की का, तो 3,200 रुपये हम इसमें एक्स्ट्रा किए हैं तब जाकर ये आया है। और ये मैं डिब्बा मंग कर लाई हूँ, मेरे पास 5 ईयरिंग्स है तो डिब्बा नहीं था, तो मैं डिब्बा मंग कर ले आई हूँ। और ये है दूसरे नंबर वाली दी, अपने लिए पायल खरीदी है, तो इसका भी रेट बता दूँ क्या, जानने का इच्छा है, चलो बता ही देती हूँ। इसका रेट है सिर्फ 3,500 रुपये का, तो आप लोग बताना अच्छा है कि नहीं, इतना रेट में ठीक है कि नहीं, प्लीज़ बताना हाँ। और ये सब तो हो गया सोना चांदी का, और हम लोग सारी जो, और हाँ ये भी खरीद कर आई हूँ मैं, दिया रखने का, तो ये दोनों में कौन सा अच्छा लग रहा है प्लीज़ बताना ना। ये देखिए ये है दिया रखने का, जो आज हम साड़ियाँ खरीद कर लाए हैं वो दिखाते हैं। ये देखिए वो वाला रिटर्न करके ये वाला लाए हैं, और आप सब बताना ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर वो वाला दिखाई थी वो अच्छा लग रहा है, प्लीज़ ना बताना। और कलर भी कैसा लगा, कौन सा कलर मेरे पे ज़्यादा अच्छा लगेगा ये भी आप सब बताना। देखिए कितना प्यारा लग रहा है साड़ी, तो ये देखिए साड़ी कितना अच्छा है, इसका बॉर्डर मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। वैसे तो ये मेरे से बड़ी वाली ये दी का है, पूनम दी का, तो ये देखिए। और इसका ब्लाउज इस तरह है, प्रिंटेड पे आएगा इसका ब्लाउज, ये देखिए इस तरह से प्रिंटेड पे आएगा ब्लाउज। और साड़ी पूरी प्लेन है बॉर्डर का साड़ी, और इसी का नाम बड़ी दी भी दूसरे नंबर वाली दी भी खरीदी है, कलर चेंज है और साड़ी सेम है। ये देखिए ये उसका पल्लू है, और इसका बॉर्डर दिखाती हूँ आप सबको, तो ये देखिए ये बॉर्डर कैसा लग रहा है, और कौन सा दोनों में कौन सा कलर अच्छा लग रहा है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, और ये इसका रेट भी बता दूँ क्या, बता दूँ हाँ, चलो बता ही देती हूँ, आप सबको जानने का बहुत बड़ा मन हो रहा है ना, बता ही देती हूँ। इसका भी रेट है वही 1700 ही है, 1760 का है सब पेपर है। और मेरा साड़ी एकदम सिंपल है, क्योंकि मैं साड़ी ज़्यादा पहनती नहीं, आप सबने देखी ही होगी मैं सूट ज़्यादा पहनती हूँ, तो मैं ऐसी 1000 वाला ही साड़ी खरीद ली। और ये देखिए वीडियो में अच्छे से नहीं वो दिख पा रहा है, अलग ही कलर लग रहा है वीडियो में, लेकिन ऐसे नहीं ना अलग कलर है। ये देखिए ये ऐसा इसका बॉर्डर आएगी, और साड़ी पूरी प्लेन है, नीचे में वर्क है, ये देखिए इस तरह से वर्क है इसमें। और ये साड़ी ना 1000 की है, तो ये बताना 1000 की साड़ी अच्छी है या फिर 1700 वाली साड़ी अच्छी है। रेट के हिसाब से आप सब कमेंट करके बताना कि कौन सी साड़ी अच्छी है। और मैंने तो आप सबको दिखा दी चारों बहन की साड़ियाँ, कौन सी साड़ी अच्छी है प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताइए।
और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ये साड़ी आप सब देखना, मैं टीजर के दिन पहनूंगी। इस बार हम लोग टीजर के दिन सभी अपना अपना टीजर वाला साड़ी पहनेंगे और वीडियो भी बनाऊंगी। प्लीज़ आप सब वो वाला वीडियो भी देखना। तो बस यही था, तीन साड़ी हम एक्सचेंज किए और तीन साड़ी खरीद कर आए। और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि आप हो तो मैं हूँ, तो मुझे फुल सपोर्ट चाहिए आप सब। लव यू ऑल, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।